हाई एवरी वन वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब सो कैसे आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा Amazon haul एंड आज का जो Amazon haul है ये थोड़ा सा different है because ये जो Amazon haul है इसमें मैंने कुछ different different items uh, pick किए हैं and add किया है and guys ये जो जितना भी मैं आप लोगों के साथ haul वीडियो शेयर करूँगी इस महीने में वो सारी मेरी शादी की शॉपिंग होने वाली है जस्ट बिकॉज मेरी शादी इसी महीने है एंड मैंने ना ये चीज डिक्लेयर नहीं की है लाइक uh, like मैंने ना तो इंस्टाग्राम पे बताया है अपने ना ही मैंने यूट्यूब पे शेयर किया है सो uh, so मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता देती हूँ की जो शॉपिंग हॉल वीडियो है वो मैं शेयर करना स्टार्ट कर दूंगी धीरे धीरे guys, एक और चीज़ है, जैसे कि होता है कि हम शादी की शॉपिंग जब करते हैं तो बेसिकली uh, कहीं से भी जो चीजें अच्छी मिल रही मैंने वैसे ही पिक किया है जैसे मुझे अमेजोन पे कुछ चीजें अच्छी मिली है तो मैंने वहाँ से पिक की है मुझे नायका से कुछ चीजें अच्छी मिली तो मैंने वहां से ली अच्छी मीनस कुछ ऑफर्स एंड देन प्रोडक्ट की जो प्राइस uh, है वो थोड़ी कम होगी तो मैं ऑब्वियसली वहीं से परचेज़ करूंगी एंड सबसे ज़्यादा मैंने जो शॉपिंग की है काज वो है मिंत्रा से तो मिंत्रा हॉल वीडियो भी आप लोगों के साथ आगे मैं शेयर करती रहूंगी एंड uh, जो चीज़ें मुझे अमेजोन पर अच्छी मिली है उस लाइक uh, like, वो मैंने सारी चीज़ें ऐड की है एंड बहुत ज़्यादा हौ, बड़ा हॉल वीडियो नहीं है क्योंकि बहुत सारे हॉल वीडियोस आगे भी आने वाले हैं सो so, मेरी जो शादी है उसके अकॉर्डिंग मुझे जो जो चीज़ों की नीड है उसी के अकॉर्डिंग मैंने चीज़ें ऐड की हैं सो uh, so चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड देख लेते हैं uh, मैंने क्या क्या लिया है अमेजोन से ठीक है तो फर्स्ट थिंग गाइस मैंने ना फर्स्ट पिक किया है ये रूप मंत्र का हर्बल फेशियल किट एंड ये मैंने सेकेंड uh, टाइम लिया है फर्स्ट टाइम मुझे पीआर पैकेज में रिसीव हुआ था एंड ओ माय गॉड इसका जो इफेक्ट है फर्स्ट थिंग रूप मंत्र के जितने भी फेशियल किट्स मैंने यूज किए हैं मैं फेशियल ज्यादा यूज नहीं करती हूँ फेशियल ब्लीच मैं नहीं यूज करती हूँ ज्यादा बट ये है कि रूपमांत्रा से जब मुझे ब्रांड ने कोलेब्रेशन के लिए भेजा था तो ये फर्स्ट किट था जो मुझे मिला था एंड ऑनेस्टली बताऊ ना तो इतना अमेजिंग किट था मैंने मेरी फ्रेंड को भी दिया था एंड उसने भी मुझे फुल ऑन ग्रेड दिया था कि जो भी ये फेशियल किट है क्योंकि फर्स्ट टाइम वो ट्राई करी थी रूपमांत्रा एंड वो चीज उसके फेस पे भी इफेक्ट दिख रहा था एंड उसने फर्स्ट थिंग मेरे ग्लो को चेक किया था क्योंकि जब किया था, उसने मेरे, मुझे पूछा था, था वजह से कहा ट्राई किया एंड इतना ही था, तो मैंने कहाबारा तो ट्राई किया एंड देन गाइस अमेजिंग रिजल्ट थे तो शादी के लिए मुझे चाहिए था मैं एक अच्छा सा फेशियल किट लू तो मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था की दोनों को वही सूट हो रहा है तो अपन दोनों को वही ट्राई करना चाहिए तो दैट्स वाई मैंने ये फुल किट मंगवा लिया है अगर आप फुल ब्राइडल ट्रीट मेंट लेते हैं अपने पार्लर से तो भी आप ख़ुद का फेशियल ट्राई कीजिए क्योंकि जो पार्लर में फेशियल्स होते हैं वो आपको नहीं पता है कौन सा यूज़ कर रहे हैं आई नो कि आपको बता देंगे आप ओथरी वाला यूज़ कर रहे हैं या हम कुछ फलाना का यूज़ करें जो भी होता है लेकिन मैं प्रेफर करूँगी आप अपना खुद का फेशियल मंगवाइए अगर आप शादी कर रहे हैं या आप नॉर्मली फेशियल करवा रहे हैं तो आप अपना खुद का फेशियल किट मंगवाइए इस, तरी, इस तरीके से आप बड़ा पैक मंगवाइए ताकि आप दो से तीन सेटिंग अगर आप ले रहे हैं तो इजीली कवर हो जाए ठीक है तो ये चीज है तो ये जो फेशियल किट है हर्बल एंड फ्रूट दोनों में मिल जाता है तो मैंने ये हर्बल वाला ट्राई किया क्योंकि फर्स्ट टाइम भी मैंने हर्बल वाला ट्राई किया था एंड ये नेचुरल ऑयल एंड हर्बल एक्सट्रैक्ट से बनाया है इसमें क्लेंजर मिल जाता है स्क्रब मिल जाता है जेल मिल जाता है पैक है एंड लास्ट में क्रीम पैक है तो इसीलिए एंड उसके लास्ट में इसमें एडिशनल एड किया गया है ब्लीच तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ इसको ओपन करके ठीक है इसकी ना प्राइस आई थिंक 500 समथिंग 599 समथिंग था ठीक है एंड इसमें आपको 240 ग्राम प्रोडक्ट मिल जाता है फुल सेट में एंड 40 40 ग्राम ईच आपको प्रोडक्ट मिल जाता है एंड ह्यूज पैक है गाइस जब आप इसको यूज करेंगे तो आप बोलेंगे कि यार ये तो एक बार लिया ना वर्थ इट है न, इस तरीके से आपको फुल पैक मिल रहा है देखिए मैं अपना एक डिटेल वीडियो यहाँ पर शेयर कर दूंगी आप देख लीजिए किस तरीके से आप स्टेप बाई स्टेप कर सकते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड ये आगे आपका ब्लीच ब्लीच मैंने अभी तक यूज नहीं किया मैं आपको ब्लीच का पैक ओपन करके दिखा देती हूँ इसके साथ में स्पैचुला भी है तो इसकी ना फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा अच्छी है इस तरीके से मैं ट्राई करूंगी यार सच में मुझे ये बहुत अच्छा लगा था इसीलिए मैंने यही वाला मंगवाया है वो थ्री भी आप ट्राई कर सकते हैं अपनी शादी के लिए ऐसे नहीं है यार वो तो आपके ऊपर आपको कौन सा सूट होता है एंड आपको कौन सा चाहिए ठीक है तो ये चीज़ रहती है तो मैं चलिए आगे बढ़ते हम लोग देख लेते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें और मंगवाई है ओके okay, नेक्स्ट मैंने मंगवाया है ये ट्रैवल पाउच एंड मैंने बताया ना ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें अलग अलग आइटम्स आपको दिखेंगे एंड ये जो ट्रैवल पाउच है मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज ये जो ट्रैवल पाउच है मेरे पास एक पहले से है जो मैं घर से यूज़ करती हूँ जब भी हम पूरी फैमिली या मैं और मेरा भाई बाहर जाते हैं तो हम लोग यही वाला ट्रैवल पाउच लेके जाते हैं जो मैं यूज़ कर रही थी एंड मैं इससे इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने अपने लिए ये मंगवा लिया है uh, क्योंकि मैं जब जाऊँगी ससुराल तो उस टाइम मुझे अपनी चीज़ें एक चीज़ में लेके जाना पड़ेगा सो uh, so मेरे को चाहिए था एक अच्छा सा पाउच होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें आ जाए ना कितनी अच्छी चीज़ है कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं अगर आप ट्रैवल करें एसेंशियल के लिए यहाँ पे आप नॉर्मली इयरबर्ड्स कॉटन पैड्स रख सकते हैं जिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है ये देखिए मैं मोस्टली जब भी ट्रैवल करती हूँ ना तो इसमें जो नेल कटर है एंड वाइप्स हैं या फिर ईयरबड्स हैं एंड सेफ टिपिन हैं जो भी चीज़ें इसेंशियल होती है वो ऐड करती हूँ यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी रहती है एंड यहाँ पे आपको अगेन एक जिप मिल जाता है जिसमें आप अपनी सिरम हो गई फेस वॉश हो गया एंड साथ में आप इसमें क्रीम रख सकते हैं एंड और भी चीजें जो छोटी छोटी बॉटल्स या छोटे छोटे आपको पे नेट का पाउच मिल रहा है एंड पे नेट का सेक्शन अलग है ठीक है तो यहाँ पे आप छोटी छोटी चीजें और ऐड कर सकते जो भी आपको ऐड करना है क्योंकि इसमें स्पेस काफी है एंड बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है एंड सबसे लास्ट वाला सेक्शन है यहाँ पे है नीचे की साइड में आपको एक बार ओपन करके दिखा देती हे देखिये यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल रहा है इलास्टिक इस तरीके से जो कि बिग बॉटल्स होती है लाइक शैम्पू हो गया कंडीशनर हो गया अगर आप बॉडी लोशन ऐड करें जो कि आई थिंक 250 फिफ्टी वाला आ जाएगा इसमें तो उस तरीके से आप इसमें ऐड कर सकते हैं इसमें स्पेस भी काफी है इस बॉटल रखने की क्योंकि बड़ी वाली जो बॉटल होती है उसको थोड़ा सा ग्रिप चाहिए होता है इसीलिए यहाँ पे इलास्टिक लास्टिक दिए ताकि इसके अंदर आप उसको ऐड करके एंड देन जिप क्लोज कीजिए तो एक चीज और है मैं आपको बता देती हूँ जैसे आपने सारी चीजें रखी अब आप जा रहे हैं चाहे आपने यूज़ किया हो ट्रेन से सफ़र कर रहे हो तो ट्रेन के वहाँ आप आराम से लेकर जाइए जहाँ पे भी मिरर होता है एंड यहाँ पे आपको हैंग करने के लिए ये मिल जाता है प्लास्टिक का वहाँ पे हैंग कर लीजिए एंड देन आपका सामान सारा आपके सामने है आप यूज़ कर सकते हैं इजीली एंड चाहे तो आप जहाँ पे भी होटल में रह रहे हो तो तब भी आप यूज़ कर सकते हैं एंड ये जो चीज़ें गाइज मेरा जो फर्स्ट पाउच है मैं यूज़ कर रही हूँ इसको तीन से चार साल हो चुके हैं मैं हर बार उसको वॉश करती हूँ एंड यूज़ करती हूँ क्योंकि ये वॉशेबल है एंड ईजिल आप इसको लेकर ट्रैवल करते हैं तो एक ही चीज़ में आपकी कितनी सारी चीज़ें आ रही है एंड एक चीज़ रहती है ना कि जब हम ये सारी चीज़ें कैरी करते हैं तो अगर आप नॉर्मली लेके जाएंगे तो कितना बड़ा बैग हो जाएगा इतना बड़ा तो उस हिसाब से एक छोटा सा पाउच है एंड साथ में आप इसको लीजिए एंड आपको ध्यान रहता है कि मेरी सारी चीज़ें इसमें हैं स्किन केयर हो गई हेयर केयर हो गया एसेंशियल हो गई इसमें है

सो so, अगर आपकी शादी है तो आप अच्छा सा सिरम ज़रूर ऐड कीजिए अपनी हेयर के रेंज में एंड ये फ्रिज को कंट्रोल करता है हेयर को स्मूथ बनाता है एंड ऐड करता है ग्लॉसी शाइन एंड इसके बारे में मैंने बहुत अच्छा सुना है एंड इसमें है वाइटमिन ई एंड आमंड ऑयल कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है देखिए कितनी क्लासी बॉटल है एंड इसकी ना फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है सच में एकदम आपको कोकोनट वाली फ्रेगरेंस आती है एंड बालों के लिए यार कोकोनट कितना अच्छा होता है एंड आप देख सकते हैं मेरे बाल थोड़े से फ्रिजी ऑफ kind of हो चुके हैं क्योंकि थोड़े से मेरे बाल ना सर्दियों में फ्रिजी हो जाते हैं इसलिए अब मैंने अभी अब तक इसको ट्राई नहीं किया क्योंकि ये सारा मेरे, uh, में जाएगा, तो मैंने इसको हटा दिया है पूरा ओके okay, so इसके बाद में मैंने लिया है एक लिप पैलेट एंड ये है ब्रांड फ्रॉम स्विस ब्यूटी ऑन द मूव लिप पैलेट इसमें आपको नाइन कलर्स मिल जाते हैं एंड ये हाई पिगमेंटेशन देता है लॉन्ग लास्टिंग है एंड क्रीमी मैट फिनिश देता है इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ ओके okay, इसकी प्राइस है थ्री फोर्टी नाइन रुपीज़ में आपको नाइन शेड्स मिल रहे हैं एंड इसमें मैंने जो पैलेट लिया है वो है टू पिंक एंड मॉव शेड क्योंकि ये जो कलर्स है पिंक एंड मॉव शेड जस्ट लाइक न्यूट काइंड ऑफ एंड देन आपको पिंक शेड और मिलता है तो ये बहुत अच्छा रहता है डेली रूटीन के लिए एंड ये बेस्ट लगा मुझे अगर आप शादी वादी कर रहे हैं तो आप ये वाला पैलेट जरूर ऐड कीजिए एक ही पैलेट में आपको नाइन कलर्स मिल रहे हैं तो अलग अलग लिपस्टिक लेने की ज़रूरत नहीं है ना तो बेस्ट एवर है एंड इसकी पैकेजिंग Wow, लग रही है देखिए लेकिन एक चीज हो गई कि जब मैंने इसको ओपन किया था ना मुझे जब पैकेजिंग रिसीव हुई थी अमेजोन से मुझे उसका पार्सल बहुत अच्छे से रिसीव नहीं हुआ जनरली पैलेट रिसीव हो गया था बॉक्स में डाल के तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना आपको दिखेगी भी नहीं शायद मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था तब मैंने शेयर किया था यहाँ पे ये थोड़ी सी इसकी स्क्रीन ना टूटी हुई है बट या ये चीज है कि टच वुड मेरा पैलेट सेफ है एंड कलर्स कलर्स देख सकते हो वाओ है इसमें सारे कलर है गाइस सारे कलर तो कलर्स सा आप देख सकते हैं मैं इसके स्वेच आप लोगों लोग अभी शेयर नहीं कर सकती हूँ ये सारे मेरे ब्यूटी आ, किट में जाएगा तो दैट्स मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी बट आप कलर्स सा देखिए सारे कलर्स हैं यहाँ पे आपको न्यूड कलर्स हैं सारे एक दो तीन चार न्यूड हैं एंड ये थोड़ा सा पीच काइंड ऑफ कलर है मैं आपको इस तरह की एंड ये, तो, ये वाला पीच शेड है ये जो है एंड ये थोड़ा सा डार्किश न्यूड है ये भी थोड़ा सा डार्किश न्यूड है ये बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर है एंड ये भी बहुत प्यारा पीची पिंक काइंड ऑफ कलर है जब इसका स्वेचेस शेयर करूंगी तब पता चलेगा एग्जैक्ट कलर कैसा है बट यार मैं तो फिदा हो गई इस पर थ्री फोर्टी नाइन रुपीज में नाइन शेड्स आपको मिल रहे हैं एंड साथ में क्रीमी मैट टेक्सचर है देखेंगे कैसा है बट पैलेट ये है कि अगर आप ट्रैवल भी करते हो ना तो एक पैलेट इनफ है एंड इसमें आपको आई थिंक और एक पैलेट आपको मिल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्राई कर सकते हैं बट डेली वेयर के लिए मैंने ये वाला पिक किया है क्योंकि मुझे न्यूड एंड जो पिंकी न्यूड कलर्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं एंड मुझे रूट भी, भी हो जाता है सो दैट्स देश मैंने ये वाला पिक किया आप डेफिनेटली इसको तो जरूर लीजिएगा ओके गाइस सो नेक्स्ट मैंने पिक किया है ये कोम्ब एंड ये है ब्रांड फ्रॉम अगारो एंड एक मिनट में इसको ओपन करके आपको दिखा देती हूँ कि बहुत ही ज्यादा सिंपल एंड बहुत ही ज्यादा क्यूट सा कोम्ब है आप अपने हाथों में देख सकते हैं कितना तो छोटू सा है बट हाँ इसके जो तीख है गाइस वो काफी अच्छे हैं क्योंकि बॉलबर होता है स्टाइल में चुपता है बट ये वाला वैसी कंडीशन में नहीं है क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है मैं इसकी प्राइस आपको बता देती हूं। so, इसके प्राइस है गाइस बट ये आपको 199 के अंदर ही मिल जाएगा लाइक डिस्काउंट ऑफर में आपको ये मिल जाएगा कलर मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट कैसा मिलेगा बट ये है चॉकलेट ब्राउन शेड इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे आपको ब्रांडिंग में मिल जाती है यहाँ पे सो so, नेक्स्ट मैंने ये लिया है गाइस okay, इसके बाद में जो लास्ट जब प्रोडक्ट है वो मैं शेयर करती हूँ एंड इसके लिए मैं सुपर डुपर एक्साइटेड थी बिकॉज uh, मैं आपको बता दूँ uh, मेरे जो हस्बैंड उन्होंने कहा था जो भी एसेंशियल चीज़ें उनकी तरफ से मुझे मिलेंगे वो मैं खुद चूज़ कर सकती हूँ तो so, इसीलिए मैंने खुद ने अपने लिए ये मिरर चूज़ किया है मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ना अमेज़ॉन पे ब्यूटी मिरर बहुत ज़्यादा प्यारा एंड बहुत ज़्यादा एक अच्छा सा मिरर है मैंने सोचा यार इसको तो ऐड करना ही चाहिए एंड ये ऐड नहीं किया तो क्या ही ऐड किया तो मैंने इसीलिए इसको ऐड किया मैं आपको दिखा देती हूँ जब आया था ना तो मैं थोड़ा सा डर रही थी कि कहीं यार ये टूटा फूटा ना आ जाए तो डर लग रहा था मैं प्राइस वगैरह यहाँ पे मैंशन कर दूंगी स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा बहुत ही ज्यादा सुंदर मिरर है गाइस बहुत ही ज्यादा सुंदर ये देखिए कितना सुंदर है ना यहाँ पे जो इसके काम है ना गाइस इतना सुंदर है एकदम कारीगरी जैसा लग रहा है मुझे एंड इसमें आपको क्यूट सा ये हैंडल मिल जाता है ये देखिए बहुत ही प्यारा है हैंड मिरर है एंड बहुत प्यारा है इसमें मैंने गोल्डन शेड लिया है आप इसमें लाइक सिल्वर कलर है वो भी ले सकते हैं इसका जो ये वर्क है गाइस देख सकते हैं एकदम प्यारा सा आपको रानीओ वाला फील देगा कि यार उस टाइप का कुछ आम एक बहुत प्यारा मिरर है आप इसको ट्राई कीजिएगा नॉर्मली अगर आप मिरर रखना पसंद करते हैं अपने बैग में तो ये मिरर बहुत अच्छा है गाइज ऐसे तो क्या है ना मैं मिरर रखती हूँ अपने साथ जो कि टिकटॉक वाला जो बंद होता है खुलता है वैसा टाइप का एंड मिरर जो कि है एक लाइक बोलता है ब्राइट के साथ रहना जरूरी है तो इसलिए एक मिरर ऐड करना बहुत जरूरी था तो दैट्स साइड मैंने ये वाला मिरर ऐड किया था एंड बहुत अच्छा लगा था मुझे एंड मैं बहुत खुश हो गई थी यार कितना सुंदर मिररर आप देखिए बहुत सुंदर है सीरियसली तो थोड़ा सा इस तरीके से पास से देखिए डिटेलिंग बहुत अमेजिंग है गाइस बहुत अच्छी है एंड मेटल का है तो इसलिए बहुत अच्छा है एंड साथ में बहुत ज़्यादा स्टडी है ऐसा नहीं बहुत ही फ्लिम्जी काइंड ऑफ है वैसा नहीं है प्राइस के अकॉर्डिंग डिसेंट है तो so, ये था इसमें आज का वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आया हो ये कुछ प्रोडक्ट्स थे जो मैंने अमेजोन से लिए हैं ऐसे ही मेरे और भी प्रोडक्ट्स हॉल वीडियो आने वाले हैं आगे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एंड अगर आप मेरे शादी के व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कृष्ण सरकार ब्लॉग्स मैं वहाँ पे अपने कंटिन्यू ब्लॉग्स अपलोड करती रहती हूँ तो अगर आप लोगों ने अभी तक तो उसको सब्सक्राइब नहीं किया है जाइए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपडेटेड रहिए सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं उनकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं सारे जो प्रोडक्ट्स है उनकी कंडीशन अच्छी है आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी शादी है एंड उससे रिलेटेड आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो ये शॉपिंग कर सकते हैं एंड आगे की वीडियोज भी आप देखिएगा मेरी ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज रहे कि आपको क्या क्या चीजें लेके जानी चाहिए अपने ससुराल में सो यार आई होप आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया हो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा एंड एंडिया शेयर करना मत भूलेगा आज के लिए इतना ही थैंक फॉर वॉचिंग गाइफ बाय टेक केयर